श्रॉन, मैं फोर्टिस्सी डॉक में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का एक स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में बताना है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि 50% लोगों को कोई भी लक्षण नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को होता है उनको क्या होता है, उनको या तो हेडेक होता है यानी सिर में दर्द, या आंखों में थोड़ा सा ब्लरिंग होती है, आंखों में दर्द होता है, पल्पिटेशन यानी कि धड़कन उनको पता चलती है, कभी कभी सांस उनकी फूलती है और कभी कभी उनके पैर में सूजन आती है। तो इसमें से हो सकता है कुछ ब्लड प्रेशर के लक्षण आप में हों या ना भी हो, लेकिन क्या आप में ब्लड प्रेशर लेने की और उसको देखने की जरूरत है कि नहीं है, ये प्रश्न आपको जरूर अपने पूछना है। अगर आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपको भी जरूर चेकअप करवाना चाहिए। और अगर आपका भी वजन ज्यादा है या आपको डायबिटीज है या फिर आपको इन सब इसमें से कोई लक्षण हो रहा है या आप नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो आपको इसे ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए। अक्सर ब्लड प्रेशर डॉक्टर चेक करते हैं, लेकिन आप घर में भी चेक कर सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर की आजकल मशीन आती है वो ठीक होती है, थोड़ा बहुत कभी कभी उसमें एरर होता है। अब ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जाए, तो नंबर एक, जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर की या किडनी की या हार्ट की बीमारी हो, उनको शुरू से अपना ध्यान रखना है। उनका वजन ठीक होना चाहिए, वजन बढ़ना नहीं चाहिए, पेट का घेरा नहीं बढ़ना चाहिए। उनको अपने डाइट पर, खान पान पर भी सही ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा ध्यान आजकल कोविड के समय में नमक पर होना चाहिए। तो अक्सर लोग बैठे बैठे कुछ नहीं अगर करना है, घर में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो फिर टेलीविजन देख रहे हैं, कोई नमकीन चिप्स खा रहा है या कोई और चीज नमकीन खा रहा है, उसका सेवन कम करें। अपने खाने में नमक ठीक डालें, लेकिन ऊपर से नमक मत डालें, या फिर कोई सैलेड है या रायता है, इस तरह की चीजों का सेवन आप कम करें। रोज एक्सरसाइज अपना करें, और अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है तो अपनी दवा को सही समय पर लें, अपनी दवा को सही तरीके से लें, और ब्लड प्रेशर का अपना ही घर में ही उसको चेकअप करके, और अगर बढ़ा हो अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लें। थैंक यू।